हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑटो स्टॉक के एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा जिसके आज क्वार्टर वन के रिजल्ट भी है, और मुझे लगता है रिजल्ट के पहले चार्ट पे ब्रेकआउट की पूरी पूरी तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही है। अशोक लेलैंड के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे धमाकेदार तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरे के पूरे ऑटो पैक में, और मुझे लगता है अशोक लेलैंड फ्रेश ब्रेकआउट के लिए और ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। यहाँ पे पूरी जानकारी अशोक लेलैंड के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और कहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है और कहां पे आपका एसएल रहना चाहिए, अभी हम यहां पे पूरा पूरा जिक्र करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। फ्री वाली टेलीग्राम चैनल का भाग नहीं बने हो तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात करना चाहूंगा कि अशोक लेलैंड की अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है, तो इसके लिए डेफिनेटली हम गूगल पे एज इट इज हमेशा की तरह आएंगे। और यहाँ पे देखिए 152 प्राइस चल रही है, 5% के आसपास की बढ़िया तेजी नजर आ रही है। और तेजी के पीछे कारण यहाँ पे है कि आज यहाँ पे इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट है और रिजल्ट की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट को, और इसके लिए एक्साइटमेंट बनी हुई है। एक वीक में 2.5% का रिटर्न है, एक मंथ की बात करें तो 3.5%, पिछले 6 महीने में 15%, 2022 में 19%, एक साल की टाइम होरिजन पे 21% के शानदार रिटर्न अशोक लेलैंड ने बना करके दिए हैं। यहाँ पे खबर भी लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कि 6% की तेजी इंट्राडे में दिखाई दी है, और इसका कारण है कि लेटर मतलब कि इवनिंग को शाम को यहाँ पे एक क्वार्टर वन के अपने रिजल्ट डेफिनेटली करने वाली है, और रिजल्ट का अनुमान जो एक्सपर्टों के द्वारा बताया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया पॉजिटिव आईसीआईसी सिक्योरिटीज के द्वारा बताया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे सेल्स में बढ़िया सिचुएशन हो सकती है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े बहुत नंबर वीक रह सकते हैं, परंतु ईयर ऑन ईयर यहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा आईसीआईसी सिक्योरिटीज का मानना है। इसी के चलते यहाँ पे बाजार में पहले से ही तेजी बनी हुई है। तो चार्ट पे ले जाने से पहले एक बार कारोबार देख लेंगे कि अशोक लेलैंड का कारोबार किस तरह का दिखाई दे रहा है। एनएससी की वेबसाइट पे अगेन आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 152 के आसपास प्राइस चल रही है, 5% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग 145, ओपन 147, हाई 154.50 और लो बनाया 146.70। क्वांटिटी आप देखोगे तो 1,75,00,000 शेयर की ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है, और यहाँ पे 75,00,000 शेयर की डिलीवरी है, 43% के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज भी है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नंबर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और पूरी पिक्चर समझाने की कोशिश करूँगा। अशोक लेलैंड के चार्ट पे लेके आया हूँ मैं, थोड़ा पुरानी बात करूँगा, 2018-2019 के आसपास 170 के आसपास का बनाता है, उसके बाद लगातार गिरावट 3 साल तक बनी रहती है और 30 रुपये का लो बनता है, 170 से 30 रुपये का लो। और यहाँ पे उसके बाद जब बाउंस बैक हुआ है दोस्तों, एकदम रॉकेट की तरह वी शेप रिकवरी दिखाई देती है मार्च 2020 के बाद। यहाँ पे देखिए हाल फिलहाल में 155 के आसपास काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर रहा है, फिर से यहाँ पर गिरावट आती है और लगभग 95 का लो बनाता है, वहाँ से डेफिनेटली बढ़िया बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है नंबर के बाद ए ब्रेकआउट डेफिनेटली संभव है, अगर नंबर बाजार को बढ़िया पसंद लगे तो। अभी से तो बाजार को पसंद हो रहा है ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि नंबर के पहले ऑलरेडी अच्छी तेजी चलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग 155 के ऊपर आपको करनी है, उसके बाद आपका टारगेट 168-170 जो कि उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ऑल टाइम हाई था, वहां पे आपको मिल सकता है। आपको एसएल मेंटेन करना है 142 के आसपास का। तो यहाँ पे 10 रुपये का एस एल है, 18 रुपये का ऊपर की तरफ टारगेट है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल है, तो आप डेफिनेटली इस तेजी को प्ले आउट कर सकते हो 155 के ऊपर। आरएसआई का लेवल 64 का है, तो अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ओवर बोट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से और भी तेजी पोस्ट हो सकती है ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि अशोक लेलैंड को आप स्टडी करिए, उसके बाद ही यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।